कामयाब फर्द जो है वो होगा जिसके रबते नेटवर्किंग ज़्यादा अच्छी होगी। जब हम काम करने जाते हैं किसी जगह पे जॉब के लिए, उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि आपकी नेटवर्किंग क्या है। दुकान आपने भी खोली हुई है, जिसके रबते ज़्यादा अच्छे हैं वो अपने रबतों को कैच करके ले आता है, दुकान चला लेता है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, बट आपका नेटवर्क इतना शानदार है कि लोग आपके पास आएंगे। सोसाइटी एक जाल है, हमारे सामने एक जाल बना हुआ है, हमने इस जाल में से अपने लिए नेट तलाश करना है। अगर आप नेटवर्किंग पे बिलीव करते हैं तो आप ये सब काम करेंगे। अच्छा, हम जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, या कहीं जॉब कर रहे हो या सोसाइटी में मूव कर रहे हो, हम बुनियादी तौर पे इसको समझ नहीं पाते हैं कि नेटवर्किंग से हमारी क्या मुराद है। वाई नेट? नेट होता है एक जाल। हमें ये जाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक सवाल तो होगा ना अपने आप से, क्यों नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी? इसकी कोई वजह होगी ना। और अगर हम बिलीव करते हैं नेटवर्किंग के ऊपर तो हमें उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर हम नेटवर्किंग पे बिलीव नहीं करते तो फिर हमें उसकी क्या प्राइस जो है वो पे करनी पड़ती है? तो दोनों का फ़र्क होगा ना। जो लोग नेटवर्किंग को बुनियाद बना के आगे बढ़ते हैं वो एक और तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, और जो लोग नेटवर्किंग को बुनियाद ना बनाकर आगे बढ़ते हैं तो उनको एक और तरीके से उसको करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे याद रखिएगा कि जो हमारी लाइफ है, इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका सोशलाइजेशन है। हम सबसे बड़ा ताकतवर और लकी और खुशकिस्मत उसको समझते हैं जो सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन के ऊपर बिलीव करता है, जिसके बहुत दोस्त हों, जिसके बहुत ताल्लुकात हों, जिसको कोई काम कहा जाए तो वो चुटकी में काम कर देता है। हाँ, हर सतह पे जैसे कोई काम कहे वो अपने को ताल्लुकात निकालता है और निकाल के वो काम कर लेता है। हम कहते हैं देखो कितना ज़बरदस्त आदमी है, कितनी ज़बरदस्त लड़की है ये, हाँ कितनी ज़बरदस्त औरत है, इसको जो काम देते हैं ये करके ले आते हैं, इनके रबते बड़े हैं। तो नेट जो है, जाल जो है, उसकी बेस क्या है? सोशलाइजेशन। अब जो सोशलाइजेशन है उसको हम पहला कॉन्टेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल, यानी मेरी जात, मुझे किस किस्म की नेटवर्किंग की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे इफ़ आई एम अ स्टूडेंट तो मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे कुलीग्स चाहिए जिनसे मैं कुछ सीख सकूं, अच्छे मेंटोर चाहिए जिनसे मैं कोई रहनुमाई ले सकूं, गाइडेंस ले सकूं। अगर मैंने कुछ सीखना है तो वो सिखाने वाले लोग मेरे पास होने चाहिए, फ़र्द या इदारे, ठीक है, दोनों। तो आपकी इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में नेटवर्किंग है। आप इंटरटेन भी करना चाहते हैं तो आपके कुछ लोग होंगे जिनके मदद के साथ आप इंटरटेन करेंगे, ठीक है ना। तो आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो कुछ लोग होंगे जो आपके लिए स्पोर्ट्स में आपको सपोर्ट करेंगे। आप गॉसिपिंग करना चाहते हैं तो संबंध कोई होगा जो आपको गॉसिपिंग में सपोर्ट करेगा। तो आपको बुनियादी तौर पे अपनी जाती लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक नेट की ज़रूरत है, पर्सनल लेवल पर। वो फैमिली भी है, वो दोस्त भी हैं, वो उस्ताद भी है, वो आपके कुलीग्स भी हैं, वो आपकी कम्युनिटी भी है, मोहल्ले में भी, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलें तो प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल से मुराद ये है कि आप तो स्टूडेंट हैं तो ज़रा स्टूडेंट तक महदूद रहते हैं। कौन से ऐसे असातज़ा हैं जो मेरे सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट हैं? पढ़ाते तो बहुत से हैं लेकिन किनको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, कौन मुझे मोटिवेट करते हैं, कौन मुझे इंस्पायर करते हैं, कौन मुझे फैसिलिटेट करते हैं, कौन मुझे एजुकेट करते हैं, कौन मुझे सपोर्ट करते हैं? तो ये जो एलिमेंट्स हैं, हम उन असातज़ा के जत्थे में से कुछ असातज़ा आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। 50 की क्लास है, 50 के 50 बच्चों का तो ये टैलेंट नहीं होगा कि वो आपको फैसिलिटेट कर सके, लेकिन आप उनमें से सिलेक्ट करते हैं कौन से ऐसे हैं जिनके साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और वो काम की नोयत के साथ। कहीं खेल कूद है तो मैंने कहा खेल कूद वाले दोस्तों के,
कोई पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने वाले दोस्त होंगे, कहीं आपको स्किल सीखनी है तो स्किल सीखने वाले दोस्त होंगे। हर तरह की स्पेशलाइजेशन है ना, हर तरह के लोगों की एक्सपर्टीज़ होती है, तो आप उसमें से अपने लिए वो लोग पैदा करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास इंस्टीट्यूशंस, कौन से ऐसे इदारे हैं, अभी तो मैं फ़र्द की बात कर रहा था ना, कौन से ऐसे इदारे हैं जिनकी मदद के साथ मैं अपनी नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। जैसे आज आप यहाँ पे आ गए हैं, एक इदारा है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, और भी बेतहाशा इदारे हैं। ग्लोब उसमें नेट पे जाएं तो आप नए नए इदारे आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिफरेंट किस्म के कोर्सेज वहाँ पे हो रहे होंगे, हर तरह की एक्सेस आपके पास मौजूद है, स्कॉलरशिप्स लेने हैं आपने, फलां चीज़ करनी है, तो अब आप क्या करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ अपनी नेटवर्किंग को बिल्ड करेंगे। ये इंडिविजुअल के साथ ज़रा एक फैमिली भी कर दें। फैमिली आपकी बहुत बड़ी है, सबके साथ आपके रिश्ते वो नहीं है जो होने चाहिए और ना हो सकते हैं। हम फैमिली से में भी चूजी हैं, जिनके साथ हमारा दिल आता है उनके बहुत करीब होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं उनके करीब होते हैं, कज़न्स में, खालाओं में, चाचों में, मामा मामियों में, ताइयों में, जहाँ भी कज़न्स में, जहाँ हमें ज़्यादा अच्छा लगता है हम उनके करीब होते हैं। तो आप इस फैमिली में भी देखते हैं कि कौन लोग हैं जो हमें फ़ायदा दे सकते हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को मेंटेन करते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इंस्टीट्यूशन में भी एक है लोकल, एक है रीजनल और एक है ग्लोबल। जब आप इदारों को आइडेंटिफाई करते हैं तो अब आज की दुनिया तो नेट की दुनिया ना, आप यहाँ से बैठे हुए अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस को, हाँ, ब्रिटिश, कोई भी इदारा आप यहाँ से बैठ के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने नेटवर्किंग यहाँ से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, सब कॉन्टिनेंट में कोई इदारे हैं उनकी मदद के साथ, डोमेस्टिक में लोकल पाकिस्तानी इदारों के साथ आप अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम नेटवर्किंग करते क्यों हैं? हम नेटवर्किंग करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इसीलिए करते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सपोर्ट के लेने के लिए, अपने कंफर्ट्स के लिए, आसानियां पैदा करने के लिए। ठीक है, अपने रेजोल्यूशन के लिए। अब आप देखें, ये है सारी ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें पर्सनल भी है, इसमें प्रोफेशनल भी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, ये आपको हर तरह से ग्रो करेगा। तो कामयाब फर्द जो है वो होगा जिसके रबते नेटवर्किंग ज़्यादा अच्छी होगी। जब हम काम करने जाते हैं किसी जगह पे जॉब के लिए, तो उसके अंदर जो क्राइटेरियाज होते हैं उसमें एक क्राइटेरिया यह है कि आपकी नेटवर्किंग क्या है, यानी आप मेरे इदारे को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे इदारे को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो मैं आपको क्यों रखूँगा? मैं तो आपको इसलिए रख रहा हूँ कि आप मेरे काम को आसान बनाएंगे, मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, मेरे लिए खुशियाँ पैदा करेंगे, मेरी मार्केटिंग इस अंदाज से करेंगे कि मेरी लेजिटिमेसी बने, क्रेडिबिलिटी बने। अच्छा, वो बनेगी कैसे? जब आपके पास
नेटवर्किंग होगी। अगर वो नेटवर्किंग नहीं, अभी जो सेल्स में लोग होते हैं सारे, आपने देखा होगा मार्केटिंग एंड सेल्स में, इनकी सारी सर्वाइवल किसके ऊपर बेस करती है? नेटवर्किंग। दुकान आपने भी खोली हुई है, दुकान आपने भी खोली हुई है, जिसके रबते ज़्यादा अच्छे हैं वो अपने रबतों को कैच करके ले आता है, दुकान चला लेता है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, हो सकता है आपके पास कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ ना हो, बट आपका नेटवर्क इतना शानदार है कि लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, तो हम बुनियादी तौर पे एक जाल बनाते हैं, नेट, और ये उसके नेट के कनेक्शन है। ठीक है, 20-30 नेट्स के अंदर डॉट्स हैं। इसमें से मैं अपनी प्रायोरिटी बनाता हूँ। सबके साथ तो नहीं करनी नेटवर्किंग, जिसके साथ करनी है उसी को बेस करेंगे ना, तो इनमें से मैं प्रायोरिटाइज करूँगा। जब मैंने प्रायोरिटाइजेशन कर ली, पहले मैंने अंडरस्टैंडिंग कही सबसे पहले कि मैंने क्यों नेटवर्किंग करनी है, किस लिए करनी है। जब ये तय हो गया कि मैंने इस काम के लिए करनी है, तो फिर मुझे इसकी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको मैं पिक करूं। फिर मुझे इसका प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर मुझे इसके एक्शन में जाना पड़ेगा, फिर मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट मिलेगा फेलियर में या सक्सेस में। तो हम एक जाल है, सोसाइटी एक जाल है, ठीक है, हमारे सामने एक जाल बना हुआ है, हमने इस जाल में से अपने लिए नेट तलाश करना है और इसमें से सिलेक्टिव किस्म के कनेक्शन जो हैं वो जोड़ने हैं, जो हमें फ़ायदा दे सके, मेरी ज़रूरत को पूरा कर सके। मुझे पूरी मार्केट नहीं ख़रीदनी, मुझे पूरा मार्केट नहीं लेनी, चंद सिलेक्टिव कैरियर बनाना है, चंद सिलेक्टिव रिलेशनशिप्स बनाने हैं, चंद सिलेक्टिव किस्म के ऐसे नेट बनाने जो मेरे प्रोफेशनली मुझे ग्रो करने में मदद दे सकें, मुझे भी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी जिसके साथ मैं अटैच हूँ। तो अगर आप नेटवर्किंग पे बिलीव करते हैं तो आप ये सब काम करेंगे। अगर आप नेटवर्किंग पे बिलीव नहीं करते तो आप कहते हैं बस ठीक है, काम से काम चलता है, हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं प्रोफेशनली और बुरे लोग भी हैं प्रोफेशनली, एक वो है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, एक एवरेज परफॉर्मेंस देता है, एक मिड किस्म की परफॉर्मेंस देता है। ये जो एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं, इनकी असल ताकत जो है वो इनके पीछे मैन पावर होती है। मैन पावर से मुराद नेट होता है, ठीक है। जब मैं चैलेंज करता हूँ, बड़ी बात करता हूँ, तो मुझे पता होता है आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे वो पावर है नेट की। लेकिन आपने आके मुझसे बड़ी बात की, मैंने आपको टास्क दे दिया आपके कहने पर, क्योंकि आपने कहा आई कैन डू दैट, आप नहीं कर सकी। एक आप नहीं कर सकी, मैं कहूँगा हो सकता है यार कोई हो गया होगा, सेकंड टाइम टास्क दूंगा आप नहीं कर सकी, थर्ड टाइम टास्क दूंगा आप नहीं कर सकी, तो मैं कहूँगा ये बातें बहुत बनाती है, प्रैक्टिकली इसके पास नेट नहीं है जहाँ जाके इसने काम करना है, ये इसको काम करना नहीं आता, ये इसको काम करवाना नहीं आता, बाद वक्त पहुँच जाते हैं वहाँ पे, लेकिन काम कराना नहीं आता, ठीक है ना। तो रियल नेट, अच्छा वो ऐसे बनता भी नहीं है कि आज ही बन जाएगा, ठीक है ना, रिलेशनशिप्स है ना, तो रिलेशनशिप टू टेक सम टाइम। मतलब अब आप 20 इयर्स के अंदर जाके अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज कर रहे हैं, तो आपको आज तो नहीं हो जाएगा ना, तो यू हैव टू सम इन्वेस्ट टाइम अपनी सोशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे पास आई हैं, मैं एक इदारे का सरबरा हूँ, तो आपने कहा सर मुझे ये काम है, मैं कहूँगा ठीक है ओके, हो सकता मैं कर दूँ, हो सकता मैं ना करूँ, ठीक है। सेकेंड टाइम आई है फिर कोई काम, थर्ड टाइम आई है कोई काम, फोर्थ टाइम आई है कोई काम, फिफ्थ टाइम आई है कोई काम, मुझे लगेगा ये कि इसको जब कोई काम होता है ना तो ये मेरे पास आती है, वैसे नहीं आती। अब आपको कोई काम नहीं है, आप चले जाएं, आप मेरे पास आई हैं तो आप कहेंगी अस्सलाम वालेकुम सर ये वो फला फला, मैं पूछूंगा कैसे आई हैं, आप कहेंगे सर वैसे ही मैं गुजर रही थी तो मैंने कहा सर आपसे सलाम दुआ कर लूँ, तो मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा सरप्राइज़ होगा कि इसने मुझे इंपॉर्टेंस दी है, ये आज काम से नहीं आई। हाँ हम बार बार पूछते हैं यार कोई काम है तो बताओगे, अरे सर मैं बस वैसे ही गुजर रहा था, सोचा आपसे चाय पी के जा चलूँ, गपशप मारूँगा। आप तो पता चला कि मेरे साथ कोई
एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, यू कम एंड टू से समथिंग, मुझे आपने कूल किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मेरा आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, लेकिन आपने फिर भी रियलाइज़ किया और आप आके मुझसे ताज़ीद कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, मेरी कोई खुशी है उसमें शरीक हो रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल सोशलाइजेशन के साथ बिल्ड करके प्रोफेशनल सोशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। डायरेक्ट प्रोफेशनल सोशलाइजेशन नहीं होती, पहले तमीज, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट, जैसे हम अपनी रिलेशनशिप्स बनाते हैं लड़के लड़कियां आपस में, पहले दिन नहीं कुछ हो जाता, तो इन्वेस्ट करना पड़ता टाइम, पता चलता है कि मैं आपकी केयरिंग करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं सपोर्ट हूँ, मैं बड़ा सिंसियर हूँ, मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, तो एक इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट के बाद जाके रियलाइजेशन होती है कि यार ही एंड शी इज़ अ फेयर और नॉट। अच्छा, अब आप मिसाल के तौर पर चले गए एक जगह पर, चार दिन बाद मेरा तबादला हो गया, वहाँ कोई नया बंदा आ गया, आपको पता ही नहीं है, आप छः महीने बाद उठ के आ गए, जी वो सलमान साहब वहाँ पे थे, उनको वो तो छः महीने पहले चले गए, आप अपडेटेड नहीं है अपनी नेटवर्किंग के अंदर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसका क्या बैकग्राउंड है। हम बाज़ औक़ात अपनी पर्सनल सोशलाइजेशन में बरादरियाँ बहुत इस्तेमाल करते हैं, सर आप अराई हैं तो मैं भी अराई हूँ, आप अहले तशी हैं तो मैं भी अहले तशी हूँ, आप पठान हैं तो मैं भी पठान हूँ, हैं हम करते हैं ना बरादरियाँ, आप एक इलाके के हैं डी जी खां के, सर मैं भी डी जी खां का हूँ। तो अब ये जो हम करते हैं इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा नेट जो है वो मजबूत हो जाए, ताल्लुकात हमारे मजबूत हो जाए, इसलिए कि हमारे सामने कोई टास्क है, एक डेस्टिनेशन है, यहां हम खड़े हैं, ये टास्क है, इस टास्क को अचीव करने के लिए हमें ये नेट की तरफ प्रोसेस को, आप इसको कह लें प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, टाइम लगाना है, टाइम की इन्वेस्टमेंट देनी है, ठीक है, केयरिंग करनी है, इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रखनी है, नॉलेज को अपडेट रखना है, परसू करना है। हम चाहते हैं कि आज ही आपके पास आए, आज ही आप हमारा काम कर दें, आज तो नहीं होगा कोई बात नहीं, कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांच दफ़ा, जब आप पांच दफ़ा देंगे आप कहेंगे यार ये हर दफ़ा आ जाता है, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। पहली दफ़ा अगर आप कहेंगे आज ही ये सारा कुछ हो जाएगा तो शायद ना हो, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ बहुत, और हम ज़्यादातर काम मेरिट पे नहीं करते, हम तो सोशलाइजेशन के ऊपर करते हैं। आपका मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपका काम कर दूंगा, आपके ताल्लुकात मेरे ठीक नहीं है तो मैं मेरिट पे भी काम नहीं करूंगा। हम सोसाइटी जो है पाकिस्तानी है सब कॉन्टिनेंट, मेरिट की सोसाइटी नहीं है, ये ताल्लुकात की सोसाइटी है, राब्तों की सोसाइटी है, नेट की सोसाइटी है, जिसके जितने नेट मजबूत होंगे वो उतना ज़्यादा पावरफुल तरीके से बिहेव करेगा। जी ठीक है, देखिए ना, अगर आपकी ज़रूरत है नेटवर्किंग तो आपको अपने आप को कैरेक्टर को रिविजिट करना पड़ेगा, आपको अपने कैरेक्टर को रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एक SOPs हैं, आपकी JDs हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन हैं, आपकी SOPs हैं, आपको ये करना है हर सूरत में, आप चाहे कम गो हैं, शर्मीले हैं, चलाक हैं, शातिर हैं, अच्छे आउटस्पोकन हैं, नहीं बोला जाता, ये अब आपके अपने इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट के इश्यूज़ हैं, इसको इम्प्रूव करना है आपने, कोई वे आउट नहीं है, इस बुनियाद पे आपको मार्जिन नहीं मिलेगा कि आप क्योंकि कम गो हैं, शर्मीले हैं तो इसलिए हम आपको मार्जिन दे देते हैं, मेरा तो नुकसान हो रहा है ना सर, मैं आपके कम गो से या शर्मीलेपन से क्या करूँगा, मुझे तो वो लोग चाहिए जो कॉन्फिडेंट के साथ बिहेव कर सके, ठीक है, तो आपके अंदर ये स्किल डेवलप करना, वरना आपको ये शोभा डील नहीं करना ना, आपको ये शोभा फिर डील नहीं करना, आपको और शोभा कर ले जहाँ शायद शर्मीलापन चल जाए, शाइनेस चल जाए, कोई बहुत ज़्यादा रबते ही ना हो तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। हम कहते हैं ना, हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए पक्की नौकरी, सारी ज़िंदगी नौकरी करते रहेंगे बस अल्लाह खैर, सर अब तो रिटायरमेंट होगी 60 की उम्र में, अब कौन हमें निकाल सकता बाहर, वो भी एक तरीक़ेकार है, लेकिन अगर आपने मार्केट में सर्वाइव करना है, अलाइव रहना है, अपनी डिमांड बढ़ानी है, हम कहते हैं फलां बैंकर को उठा लाओ, वो टारगेट्स बहुत अच्छे पूरे करता है, फलां को ले आओ, वो बड़े अच्छे परफॉर्मेंस उसके अच्छे हैं, हाँ वो फलां को ले आओ उठा के, उसको वहाँ 2 लाख ले रहा है, हम 4 लाख देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसके काम से मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो ये एबिलिटी जो है ये तो पॉलिश करनी पड़ेगी, और कोई मुश्किल काम नहीं है, आज आप तय कर लेना, मिसाल के तौर पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये 10 नेट्स नेट्स हैं रबते इंस्टीट्यूशंस के, आज आप शुरू करेंगे तो दो तीन महीने में तीन, फिर दो तीन महीने में तीन, और फिर दो तीन महीने में तीन, 12 हो जाएंगे ना साल में, आपके 12 रबते बड़े शानदार हो जाएंगे, जो आप जिसको आप अपने हक में और अपने इदारे के हक में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम तो नहीं, लेकिन अगर आप कहें कि एक ही महीने में 12 हो जाए तो शायद ना हो, टाइम लगाएंगे ना, बिल्ड होगा। बाज़ूकात बंदा बहुत अच्छा आ जाता है किसी पोस्ट के ऊपर, वो बड़ा सपोर्टिव होता है, बाज़ूकात आगे बहुत ही फजूल किस्म का बंदा आ जाता है जो सपोर्टिव एलिमेंट नहीं रखता, आपका काम स्टक हो जाता है। कुछ लोग कर देते हैं गर्मजोशी से काम किसी का, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर भी कर देते हैं लोग, यार मैं गरीब है चलो यार इसका मसले का निकाल दो, रोकना नहीं है इसके ऊपर ना करें कुछ। बंदे की, हर बंदे की खूबियां भी तो है ना, वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारा अगर आपसे रिश्वत ही मांगता होगा, वो पॉजिटिव तरीके से भी डील करता होगा। तो ये जो नेट है, जिनके हाथ में ये नेट है, वो डाइवर्स किस्म के लोग हैं, वो मज़हब की बुनियाद पर भी सोचते हैं, वो बिरादरियों की बुनियाद पर भी सोचते हैं, वो ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर भी सोचते हैं, वो फाइनेंशियल बुनियाद के ऊपर भी सोचते हैं कि हम इसमें से क्या मिलेगा, आप हमें क्या दे देंगे अगर हम आपका काम कर देते हैं, जिसको आप रिश्वत कहते हैं हरफ आम में। तो हर तरह के लोग हैं ना, सपोर्टिव भी हैं, बगैर पैसे के काम करने वाले भी हैं, मेरिट पे काम करने वाले भी हैं, नॉन मेरिट पे भी काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। हम तो, मैंने कहा है ना कि मेरिट से हट के लोग हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा मेरिट बेस्ड सोसाइटी नहीं है, जैसे हम बहुत ज़्यादा रिटर्न बेस्ड सोसाइटी नहीं है ना, हम लिखते कम है बोलते ज़्यादा है। आप हमसे बुलवा लें जितना मर्जी बुलवा लें दो दो घंटे, लेकिन आपसे कहा कि 5 मिनट एक कागज़ पे कुछ लिख के दे दें तो आपकी जान चली जाती है, नहीं लिखा जाता। आप जो बोल रहे हैं ना, मैं उनसे कहूँगा आप यही गुफ्तगू आपने लिखनी भी है, तो आपका बोला हुआ और आपका लिखा हुआ डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है ना लिखने की, अवॉइड करते हैं। औरल सोसाइटी है ना तो वो, हाँ जी, तो औरल सोसाइटी है ना, ज़बानी जितनी मर्जी गल्ला करा लो, ठीक, इसके तो हम बादशाह हैं। बाज़ूकात देखें, बाज़ूकात ये होता है कि हमें किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है और उसकी बेसिस पे हम नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। बाज़ूकात हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हम वैसे ही अपने नेट बढ़ा रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली बढ़ा रहे होते हैं, वो भी हमारे काम आ जाते हैं, कॉन्शियसली बढ़ाते हैं वो भी हमारे काम आ जाते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान करते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं अपने नेट से। नेट है जाल, वर्किंग वो जो काम कर रहा हो, एक ऐसा जाल जो फंक्शनिंग में हो, जहाँ आप मूव करें तो वो आपका काम कर दे, ये थोड़ी को डेड है, कब्रिस्तान तो नहीं है ना। तो वर्किंग से मुराद है जो ऑपरेटिव मॉडल है, जो ऑपरेट कर रहा है। अब आप मुर्दों के साथ तो नहीं करेंगे ना नेटवर्किंग, आप जिंदों से करेंगे ना, जो जिंदा है, जो अलाइव है, जिसके हाथ में कुछ है। और हम बाज़ूकात नेटवर्किंग करते ही उन लोगों के पास है जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास पावर होती है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग होती है, यानी पैसे वालिद के पास हैं, अगर आप उनको राज़ी कर लेंगे तो वो पैसे दे देंगे। तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट अपने वालिद से पैसे मांगते हैं, वो इनकार कर देते हैं, नहीं देते। दूसरा तरीका ये है कि माँ के ज़रिए जाते हैं, माँ आपका नेट होता है, ठीक है। माँ से आगे बढ़ते हैं तो माँ की भी नहीं सुनते, तो भाई या बहन नेट होते हैं, वो भी नहीं सुनते तो खाला चाचा मामा ताया, वो उनके नेट होते हैं, फूफियाँ। तो कोई नेट इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से आप अपने लिए आसानी पैदा करें। आपको लगता है कि मेरी बात शायद ये ना सुने, लेकिन फलां की बात ये सुन लेंगे, तो आप सिफारिश दिलवाते हैं ना, रिक्वेस्ट दिलवाते हैं ना, उनको कायल करने की कोशिश करते हैं इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, तो आप अपने नेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको कैसे पता चला कि हमारे अब्बा जो है वो अपनी बहन की बात नहीं टालते? पता था तो इसीलिए आपने उनसे कहा था ना। अगर आपको पता हो कि मेरे अब्बा इतने सख्त हैं, वो बहन को भी सुना देंगे दो, तो वो आप कभी नहीं कहेंगे उनको। पहले आपको पता होता किसकी सिफारिश ऐसी है जिसका लाड में हमारे वालिद जो है वो जेब में हाथ डालेंगे और पैसे निकालेंगे। तो आपको नेट का पता है ना, तो वो नेट की अंडरस्टैंडिंग करना, किससे मुझे क्या काम है, क्या लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, क्या रेड लाइन है, क्या रेड लाइन नहीं है, ये सब चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेंगी ना। ये ऐसी है ना, जैसे आप खुशी के मौके पे गम की बात नहीं करेंगे, गम के मौके पे खुशी की बात नहीं करेंगे। आपको राइट टाइम का पता होगा कि कौन सा राइट टाइम है जहाँ मुझे इंटरवीन करना है। तो अब आप देखिए, आपके मुकाबले में जो लोग नेटवर्किंग पे बिलीव करते हैं वो कितने पावरफुल हैं, और जो लोग नेटवर्किंग पे बिलीव नहीं करते वो कितने कमज़ोर हैं। फ़र्क तो नज़र आएगा ना आपको, ठीक है ना। आप उठा लें बेहतरीन तरीके से, लोग जाते हैं परफॉर्म करते हैं और अपने परफॉर्मेंस के ऊपर बैठ के वो बहुत सा नतीजा निकाल लेते हैं,
हमसे नहीं निकलता क्योंकि हमारे पास वो नेट ही नहीं है। हम अपना इलम, अपना तजर्बा, अपनी सलाहियत, अपनी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। आपने कभी देखा होगा, आपको बड़ा गिला होता है कि यार मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे मुकाबले में फलां सेलेक्ट हो गया, मेरे मुकाबले में फलां को स्पेस मिली है, मैं तो ऐसा था तो मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला। आप अपने आप से मातम करते हैं ना। फर्क सिर्फ एक होता है, वो होता है नेटवर्किंग। एक वजह नेटवर्किंग होती है क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे शख्स को ले लूँगा, लड़के लड़की को, जो बहुत हाई ग्रेड में पास नहीं हुए, मिड लेवल में पास हुए, लेकिन जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया है तो मुझे लगा कि आपके आपके जो हाई मार्क्स हैं उसमें और इनके जो कम मार्क्स हैं इनके दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है, नेटवर्किंग का। तो मैं इनका नेट इस्तेमाल करूँगा, मेरे लिए ये ज़्यादा काबिल कबूल है। मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे आपका नेट चाहिए, एसेट चाहिए, सोशल कैपिटल। इसको एक और लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छा मुझे याद आया, सोशल कैपिटल। जिसके पास ताल्लुकात का सरमाया है, जिसके पास इंसानों का सरमाया है, जिसके पास रिसोर्सेज का सरमाया है, ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा, ऐसे रिसोर्सेज जो मेरी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब मिसाल के तौर पर एक बंदा सेठ है, पैसा उसके पास बहुत है, नेट उसका कोई नहीं है, तो वो किसको हायर करता है, जिसके जिसका हाँ जिसका जिसके पास नेट होगा वो उसको हायर करेगा। पैसा उसके पास बहुत है लेकिन नेट नहीं है, नेट मेरे पास है तो मैं उसकी ज़रूरत बन गया ना, फिर मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे डिमांड भी करूँगा कि आपको इतने पे करना पड़ेगा मुझे, तो वो कहेगा इसकी एक्सपर्टी है, इसकी प्रोफेशनल स्किल है, मुझे तो उसको पे भी करना पड़ेगा। और वो मैं यहाँ से बैठा हुआ हूँ लाहौर में तो पूरे पाकिस्तान में नेट हो सकता है, पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ तो सब कॉन्टिनेंट में नेट हो सकता है, सब कॉन्टिनेंट में बैठा हूँ तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का नेट हो सकता है, ठीक है ना। हमारे बिजनेस को, हमने ऑनलाइन बिजनेस को लेके चलना है तो मुझे वो नेट अवेलेबल हैं, कैसे इसको जोड़ना है, कनेक्टिविटी है। क्योंकि देखिए एक और चीज़ लफ्ज़ है, कनेक्टिविटी। एक्चुअली हम अपने नेट से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और जब अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह हमारे पीछे कोई एजेंडा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करना होता है। तो अगर आप कनेक्टिव कनेक्टिविटी ना हुई हो आपकी, यानी आप कनेक्ट ना करें तो बाकी जो मर्जी करते रहें। वो कहते हैं लाइन मिलनी चाहिए थी, जब तक लाइन नहीं मिलेगी बाकी बातें तो नहीं हो सकती। तो पहले तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा ना, यानी आप मेरे दफ्तर आएंगे तो आप और मैं कनेक्ट हुए ना, बाकी छोड़ दें भी बात की बातें। अब वो कनेक्टिविटी को कितना हमने पॉलिश किया है, कैसे परफॉर्म किया है, कितना लंबा स्टे किया है, कितना उसको प्लान किया है, कितना हमने उसको उस पर अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, फिर एक जगह पे वो कनेक्टिविटी जो है वो एक अच्छी रिलेशनशिप में जाके ट्रांसलेट हो जाएगी। फौरी तौर पे नहीं होगा। हमारी फेलियर की बड़ी रीज़न ये है कि हम फौरी नतीजा चाहते हैं, आज ही नतीजा निकालना चाहते हैं। नहीं, मैं अगर सेठ हूँ और मैंने आपको रखा हुआ है किसी काम के लिए, मैं फौरी नतीजा ना मांगूँ आपसे। मुझे पता अभी ये आए हैं, इनको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगने हैं, बट आफ्टर 6 मंथ आई हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, फिर आपकी बात नहीं चलेगी। आपको सिखाने की कोशिश की, अब सीख लें बस यार, बहुत हो गया है। अब हम आपकी उंगली पकड़ के तो नहीं सिखाएंगे बार बार। तो एक खास टाइम होता है जिसमें आपने इन्वेस्ट करके अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करना। अच्छा, नेटवर्किंग रिविजिटिंग होती रहती है, मज़ेदार बात यह है। आज आपको मेरी ज़रूरत है तो आप मुझसे नेट की तरफ आ रही हैं, कल इनको ज़रूरत है तो ये आ जाएंगे, आज आपको ज़रूरत नहीं है तो आप किसी और की तरफ नेट की तरफ चले गए। मेरा आपका जो रिलेशनशिप है उसके पीछे, अगरचे वो ह्यूमन बीइंग भी है लेकिन साथ साथ वो प्रोफेशनल भी तो है ना। जब तक आई सर्व यू, यू कम। जब मेरा काम ख़त्म हो गया है तो शायद आप दोबारा किसी नए नेट के अंदर चले जाए। तो नेट जो है वो बदलते रहते हैं, पोजिशंस बदलती रहती है ना अफराद की। आज डिप्टी कमिश्नर मैं हूँ, कल ये है, परसों ये हैं, चौथ ये है, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मेरी अहमियत कम होगी ना, मेरा नेट तो नीचे चला गया। अब मैं एक ह्यूमन बींग के तौर पे तो आपसे मुझसे रब्ता कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास कोई वसाइल नहीं है अब आपका कोई काम करने का। तो ये याद रखिएगा कि नेटवर्किंग भी रिविजिटिंग होती है। आज आपको ये लोग चाहिए, कल किसी और लोग चाहिए होंगे, परसों कुछ और काम चाहिए, परसों उससे अगले दिन कोई और काम चाहिए। तो इसका मतलब है नेटवर्किंग तो जामद नहीं होती, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बदलते रहेंगे।
देखिए ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग होंगे, हम अपने, मैं मिसाल के तौर पे जिस एज में हूँ, मैं तो 4-5 लोग भी अगर मेरी ज़िंदगी में मुझे याद नहीं है जो मैट्रिक के मेरे दोस्त हैं, मेरी लाइफ में नहीं है। वो कनेक्टिविटी वहीं की थी, इंटर तक आई तो याद रही, ग्रेजुएशन में गई तो भूल गया, मास्टर्स गई तो और भूल गया, प्रोफेशनल लाइफ में आया तो भूल गया, और क्योंकि अब वो कनेक्टिविटी नहीं है। अब जब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ एक और कनेक्टिविटी आ गई है। तो कितने हम लोगों को याद रखते हैं अपने मैट्रिक के दोस्तों को, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पीछे पीछे वाले लोग पीछे होते जाते हैं, और आने वाले नए लोग जो है वो नए तरीके से बनना शुरू हो जाते हैं। आप रिलेशनशिप्स के तकाजे इसी तरह से ही हैं, लिंकेजेस के तकाजे ऐसे ही हैं हमारे। आज हमें ज़रूरत है रशिया की तो हम रशिया से बात कर रहे हैं, कल तक हम रशिया को दुश्मन कहते रहे, ठीक है ना। तो आज उसकी कनेक्टिविटी के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जामद नहीं है, ये याद रखिएगा कि जामद नहीं है, एक लकीर, पत्थर की लकीर बना के नेटवर्किंग नहीं हो सकती। कहीं आपको पर्सनल लेवल पे मूव करना है, कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डील करना है, कहीं आपको फाइनेंशियल डील करना है, कहीं आपको प्रोफेशनली करना है, कहीं आपको इंटरटेनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी नेटवर्किंग करनी है, ठीक है। यानी आप अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए नेटवर्किंग करते हैं, अपनी लाइफ को मुश्किल बनाने के लिए नेटवर्किंग नहीं करते, कोई भी नहीं करता। और अगर जहां मुझे लगता है कि इसकी नेटवर्किंग से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है, तो आप स्किप कर देते हैं, स्किप कर देता है ना, वो समझता है कि यार ये इस काबिल नहीं है कि इसके साथ मुझे नेट अपना बनाना है, मुझे स्किप कर देना चाहिए। अगर जब तक ये रहेगा मेरे साथ, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, तो बेहतर है कि मैं ही स्किप कर दूं, ना मिल सको तो बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह, निकल जाना चाहिए ना। फिर नया नेट को ढूंढना चाहिए, नए लोगों को तलाश करना चाहिए, नए रिश्तों को जोड़ना चाहिए। एक जगह पे खड़े होकर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो ना समझने की कसम खा चुका है, तो वहां इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, नए लोगों को आइडेंटिफाई करें, नया नेट तलाश करने की कोशिश करें। आपके मुकाबले में इनको मैं तलाश करूं जो मेरा काम कर देंगे, तो ये चीज़ें बदलती रहेंगी। हम आज भी ये समझते हैं कि नेट जो है वो जामद होता है, नहीं जामद नहीं होता, बदलता रहता है प्रायोरिटीज़ के साथ। ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे जैसे आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बदलेंगी, वैसे वैसे चली जाएंगी। जब आप यंग होते हैं आपको डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होती, जब आप 50s में आना शुरू होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है उसका तकाजा होता है कि अब आपको पास डॉक्टर भी होना चाहिए। हैं, आप 20 साल के हैं तो आपको खाने पीने में जो मर्जी करते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 50s के बाद आपका फूड पैटर्न बदलना चाहिए, तो आपका नेट बदल जाएगा ना। अब आप उन लोगों से रब्ते रखेंगे जो आपको बताएंगे हड्डियाँ कैसे स्ट्रांग रहती हैं, कैसे फूड को मैनेज करना है, क्या वॉक करनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या आपने खाना और क्या आपने नहीं खाना, तो आपका पैटर्न बदल जाएगा। अब आपके नेट के दोस्त वो हैं, वो आपने देखा ना, जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है तो दाढ़ी आ जाती है, दाढ़ी आती है तो हाथ में तस्बी आ जाती है, सर पे दुपट्टा आ जाता है, वो लोग वॉक करने में जाए ना पार्क्स में तो आपको वो लोग नज़र आ रहे होते हैं, उनको लगता है अब हमारा नेट अब अल्लाह मियाँ के पास जाने वाला है, अब हमें अल्लाह की तरफ जाना है, तो रुजू वहीं पर करना शुरू कर देते हैं, तो वो नेकियों के काम करना शुरू कर देते हैं। वो जो बंदा सारी ज़िंदगी लोगों को तकलीफ़ देता रहा, वो भी आके अल्लाह रसूल की कोई दो हदीसें सुनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने ऊपर जाना होता है, उसको वो नेट नज़र आ रहा होता है कि अब मैंने वहाँ पहुँच के भी तो हिसाब किताब देना है ना, तो यहीं पर कुछ बेहतरी कर लूँ। तो हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं अपनी लाइफ के साथ साथ बदलती रहती है। व्हेन वी आर चाइल्ड वी हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटी, हम यंग वी हैव अ डिफरेंट, प्रोफेशनल वी हैव अ डिफरेंट, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं डिफरेंट, घर में हैं तो डिफरेंट, स्पोर्ट्स में हैं तो डिफरेंट, स्टूडेंट्स के साथ हैं डिफरेंट, कजन्स के साथ हैं डिफरेंट, प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं डिफरेंट, इंटरटेनमेंट में हैं तो डिफरेंट। हर तरह की प्रायोरिटीज़ आपकी रिविजिट्स होती हैं, और हर प्रायोरिटीज़ के साथ आपका एक नेट है। कैसे आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को अंदर अपने लिए कंफर्ट जोन जो है उसको डेवलप करना है, ठीक है, उसको कैसे डेवलप करना है। अच्छा, अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि ये खुदादाद सलाहियत है, अल्लाह ताला ने शायद किसी को टीका लगाया है पैदा करने से पहले कि इसने नेटवर्किंग करनी है और इसने नेटवर्किंग नहीं करनी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वी कैन डू दैट, हम सब कर सकते हैं, सिर्फ आपकी डायरेक्शन क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, स्ट्रगल होनी चाहिए, शौक होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप, कल ईद है, आपके इस मोबाइल में हज़ारों नंबर्स हैं, आप हज़ारों लोगों को SMS नहीं करते, सिलेक्टिव लोगों को करते हैं ना, तो वो सिलेक्टिव कौन है? आपका नेट है,
उसमें फैमिली भी आ जाएगी, आपके दोस्त भी आ जाएंगे, उस्ताद भी आ जाएंगे, बॉसेस भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे ना, सिलेक्टिव होंगे आप, सबको मुंह उठा के नहीं फेंक देंगे, पॉसिबल नहीं है ना। हमें अच्छी तरह याद है कि जिस ज़माने में मैं स्टूडेंट था तो हम तो ईद कार्ड भेजा करते थे ना, हमारा तो दौर ज़रा ईद कार्ड का दौर था, मोबाइल दौर तो नहीं था। तो हमने माँ बाप से कहना जी हमने 10 15 20 ईद कार्ड लेने, वो कहते नहीं वी की करने बेटा तू 10 ही ले ले। हम कहते नहीं नहीं जखे ना मामा उसको भी भेजना है, इसको भी भेजना है, फलां, कहते बेटा 10 12 ले लें बस, ज़्यादा नहीं लेने। तो हम सिलेक्टिव हो जाते थे, पैसे उतने मिलते थे, फिर वो 10 12 में भी सिलेक्ट करने पड़ते थे पूरे ख़ानदान में से किसको भेजें किसको ना भेजें। बाजू का तो होता था एक ही कार्ड पर चार चार नाम लिख देते थे ताकि एक ही हाथ से कई शिकार हो जाए, हाँ हो जाता ना। तो उसमें हमारा नेट होता था, हम सारे ख़ानदान को तो नहीं भेजते थे, सिलेक्टिव लोगों को भेजते थे जिनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा है या हम अच्छा बनाना चाहते हैं। आप अपने दोस्तों में से भी उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो आपके नेट के अंदर आते हैं, नेट के जाल में आते हैं, जिनसे मिले बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है, जिनसे बात किए बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है, ठीक है ना, उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं ना, हर एक को तो नहीं भेजते। 50 के कुलीग हैं क्लास में तो 50 को नहीं मैसेज करते, 15-10 को ही करेंगे जो आपके सिलेक्टिव होंगे। तो हम अपने नेट में जब तक सिलेक्टिव नहीं होंगे, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द बेस्ट पीपल, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। मिसाल के तौर पे अभी आप लिखें आई नीड सम ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस पर डालें गूगल पे, हज़ारों आ जाएंगे, उसमें से सिलेक्ट ही करने ना, सारे तो नहीं कर सकते आप। तो आप नेट बनाएंगे ना, नेट बना के उसमें देखेंगे कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए ज़्यादा वायबिलिटी है, बेहतर है, पैसे की कॉस्ट कम है, टाइम की कॉस्ट कम है। मुझे कोई कहे ना 5 हफ्ते का कोर्स है लाहौर से बाहर जाना है तो मैं 200 दफ़ा सोचता हूँ। मुझे कोई कहे ना कि 3 दिन का कोर्स है इस्लामाबाद में, मैं सोच लेता हूँ कि आई कैन टेक 3 डेज, तो मैं अब चूज़ी हो जाता हूँ। मुझे उसके अंदर से चीज़ें निकालनी है जो मेरे मतलब को सूट करती हैं। मैं दोस्तियाँ बनाता हूँ तो मुझे पता होता है, देखिए दोस्ती की बुनियाद कोई खुदाई खिदमत नहीं होती, दोस्ती की बुनियाद गिव एंड टेक्स होते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स है। अब वो इंटरेस्ट बेस में पैसा तो नहीं होता सारा, इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, सपोर्टिव भी एटीट्यूड भी हैं, सारे तरह के एटीट्यूड्स होते हैं ना। तो वो जहां मुझे मिलेगा तो मैं दोस्ती करूंगा ना, आप जितना मर्जी मेरे पीछे पड़ जाएं मैं आपके पीछे पड़ जाऊं, हम दोस्ती नहीं करेंगे जब तक हमें अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि यार ये ही एंड शी कैन सपोर्ट मी, मुझे फ़ायदा है इसके साथ दोस्ती करने का, ठीक है ना। हमारे क्लास में जब मॉनिटर होते थे वो दोस्तियाँ कम करते थे हमसे, हम उनके पीछे पीछे भागते थे, यार चलो कुछ 4 चीज़ें सीख लेंगे, उस्ताद से डर लगता है इससे सीख लेंगे, वो भी ज़रा सीना तान जाते थे क्योंकि मॉनिटर थे तो ज़रा कम दोस्तियाँ करते थे, ठीक है। तो ये लोगों ने तय करना होता है कि अपने नेट में से हमने किसको प्रेफर करना और किसको प्रेफर नहीं करना। और जितना आप टाइम लगाते हैं, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी आप सोशलाइजेशन करते हैं, जितनी आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, जितना आप उनको फॉलोअप करते हैं, जितना आप उनको परसू करते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू होती है। हम कहते हैं यार बार बार जो आ जाता है करना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा, हैं मुझे भी सपोर्ट करता है ना। ये 2 जमा 2 4 के साथ नेटवर्किंग नहीं बनती, जहन में रखिएगा, ये कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये सोशलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है। आप दुकान जाती हैं शॉपिंग करने, 50 दुकानों पे घूमती हैं शॉपिंग करते हुए, फिर एक दुकान सेलेक्ट करती हैं, आपने वहाँ से चीज़ ले ली, उस बंदे ने आपको बिठाया, उसने आपको कहा बीबी चाय पियेंगी आप, बेटा चाय पियेंगी आप, बोतल पी लें ठंडा पी लें, अच्छे एटीट्यूड से बिहेव कर रहा है, अब आप आइंदा उसी से लेना शुरू कर देती हैं ना। क्यों, हो सकता है उसकी दुकान से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी किसी और के पास हो, लेकिन उसके एटीट्यूड में और आपके इसके एटीट्यूड में फ़र्क है, इसने रिस्पेक्ट दी है, ये आप खरीद के भी ले जाए वापस भी ले लेता है, चेंज भी कर लेता है, उधार भी ले लेता है, कई तरह की चीज़ें होती ना। तो आप जब मार्केट में आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको बीसियों लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बीसियों लोग आपसे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, आप बीसियों लोगों से ताल्लुकात करना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा ये, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा कि यू आर द राइट पर्सन, वो टाइम लगेगा ना, वो सोशलाइजेशन करनी पड़ेगी ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, टाइम लगा। देखिए ना एक ही लम्हे में तो दोस्त नहीं होता, मैं आप में से कहूँ किसी को, आप में से कहूँ मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, बन गया, लेकिन ये डिटरमिन करेगा मेरा एटीट्यूड और बिहेवियर अगले चंद दिनों के अंदर कि मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ। एंड यू कैन, मैंने कहा आप स्किप कर जाते हैं,
आपको लगता है नहीं नहीं ही एंड शी इज़ नॉट अ राइट पर्सन, तो आप निकल जाते हैं ना, फिर नया रास्ता तलाश करते हैं। तो ये इसका कोई टीका नहीं है, ये आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, एक महकमे में जाएँ, LDA में, ठीक है। आप LDA में जाएंगे तो वहाँ पर आप कुछ लोगों से मिलेंगे ना। अब यहाँ घर बैठे तो ये सारा काम नहीं हो सकता। मैं आपको एक और बताता हूँ, आपके घर की लाइट गई है, अब आप वो जो लाइन मैन का नंबर है ना, जो बिल के पीछे लिखा हुआ है, आप उसको फ़ोन कर रहे हैं, आगे जी कंप्लेन, थैंक यू वेरी मच, विल डू दैट। फिर 4 घंटे गुजर गए, फिर उसको फ़ोन कर रहे हैं, फिर 4 घंटे गुजर गए, फिर उसको फ़ोन कर रहे हैं, आता हूँ जी, अभी आ रहे हैं जी, बंदा आ रहा है जी, लगे हुए आप खबार हो रहे हैं और गालियाँ निकालते जा रहे हैं। अब अगर आपका महकमा जहाँ पे आपकी बिजली है और उसके जो सामने जो फ्रंट पे आपको बिजली घर लगता है, वहाँ कोई बंदा लाइनमैन आपका वाकिफकार हो, आप वहाँ किसी शौकत को जानते हो, वहाँ किसी नासिर को जानते हो, तो आप डायरेक्ट उसको फ़ोन करेंगे कि नासिर साहब मेरी लाइट ख़राब हो गई है, तो कुछ करो। वो खुद आएगा आपके पास, क्योंकि उसको आपका एक रिलेशनशिप है। आप वासा में चले जाएँ, आप पुलिस में चले जाएँ, जिस भी मर्ज़ी महकमे में चले जाएँ, एक फॉर्मल ताल्लुकात, एक इनफॉर्मल ताल्लुकात। जब इनफॉर्मल ताल्लुकात होंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, फॉर्मल ताल्लुकात में ठीक नहीं होगा, टाइम लगेगा, प्रोसेस चलेगा। हम कहते हैं ना, आपने इनका काम क्यों जल्दी कर दिया, इसलिए कर दिया कि मेरा इनके साथ ताल्लुक है। मैंने कहा ना, ये सोशलाइजेशन की दौर है, ये मैरिट की दुनिया नहीं है। बारी तो आपकी आनी थी बहुत बाद में, हमने पहले लगा दी है। मुझे याद है जब हम बिल जमा कराने जाते थे ना बैंकों में, तो वो बैंकर के अंदर अगर वाकिफकार होना तो अंदर ही बुला लेता था। तो लाइन खड़ी हुई है, 40वें नंबर पे मेरी बारी थी, तो मैंने ही जाके बिल मैंने अपनी जेब में रख दिया, उसको नहीं बताया मैं बिल जमा कराने आया हूँ। मैं कहूँ जी अंदर वो नुमान साहब है ना बैंकर, उनसे मिलना हूँ, मेरा ज़रूरी काम है, तो वो तो नहीं रोकेगा आपको। अब नुमान साहब को पता है मैं क्यों आया हूँ, मैं आराम से बिल पकड़ूंगा, आपसे पैसे ले लूँगा, जाओ यार आके कल शाम को ले लेना बिल। या ये कि मैं एक दिन पहले उनके घर जाके बता दूंगा कि सर ये मेरा बिल है, जमा करा दीजिएगा। तो आपका नेट है ना, तो आप अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे। यही तरीकाकार है दुनिया में नेट को बनाने का। आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल आप रिजल्ट लेते हैं, अच्छा या बुरा दोनों भी मिल जाते हैं। बाद का बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ना नेट में, लेकिन हम बैड एक्सपीरियंस से लर्न करके अच्छे एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं ना, ये हमें बिल्ड करना है। या और कोई चैलेंज आपको आपको समझ आता है कि और क्या चैलेंज हो सकता है? मिसाल के तौर पर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, फौरी तौर पे हम डिप्रेसिव हो जाते हैं, फौरी तौर पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एक दो फेलियर के बाद हम कहते हैं बंद करो यार, मेरे बस की गल नहीं की, फजूल काम है, जाके इनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, फलां करना पड़ता है। तो आप इतनी जल्दी डिसहार्ट हो गए तो आपका काम नहीं होगा, यू नीड से टेक सम टाइम, ठीक है, आपको टाइम चाहिए। फौरी तौर पर नतीजा नहीं मिलेगा। जब बच्चा पैदा होता है तो वह बड़े होने में टाइम लेता है, पहले दिन तो बड़ा नहीं हो सकता। माँ बाप उसको कहते हैं छोटा चलना शुरू करो, चलना शुरू करो, वो फिर गिर जाता है, फिर हम उसको मारना शुरू कर देते हैं, तो मैं चला नहीं जाता, उसने अपने टाइम पे चलना है, आपके कहने से नहीं चलना है। आप उसको प्रैक्टिस करा के जरा उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे के उसको जरा देंगे एहसास, लेकिन चलेगा वही जब उसकी बॉडी ने अपने आप को अंदर से एड्रेस करना है। खाएगा वो जिस वक्त उसकी तकाजा उसके अंदर से आएगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि कैसे हम अपनी नेटवर्किंग को इफेक्टिव, यानी आप अंदाजा लगाए ना, पहले नेटवर्किंग, फिर उसको इफेक्टिव बनाना, फिर उसको मीनिंगफुल बनाना, फिर उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना, फिर उसको एक्शन ओरिएंटेड बनाना, फिर उससे नए न्यू नेट्स बनाना। बाद अवकात मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ गई हैं किसी जगह पर, ठीक है, आपका कोई काम नहीं था, आप बस मेरे साथ जा गए, मैंने कहा यार आप चले, मैंने फलां जगह पे जाना है, आप चल पड़ी। काम मेरा था इनके साथ, इनके साथ या इनके साथ, आपका भी मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि ये फलां हैं। अब आपका और इनका भी नेट बन गया है, कल आप भी उनसे रब्ता करके अपने लिए रास्ता निकाल सकती हैं। तो हम एक नेट से कई नेट निकालने की कोशिश करते हैं, नए नेट बनाते हैं मार्फत के जरिए,
आपकी मार्फत मैं किसी से मिला हूँ, इनकी मार्फत किसी से मिला हूँ, उनकी मार्फत किसी से मिला हूँ, उनकी मार्फत किसी से मिला हूँ, तो एक नया नेट बन गया, बन जाता है ना। हमारे यहाँ तो रिश्ते इसी तरह से जुड़ते हैं ना, ये जो शादियाँ होती हैं वो नेट के थ्रू बनती है ना। फलां गए थे, फलां जगह पे गए तो फलां से मुलाकात हुई, तो उनका चलो शादियाँ करवा देते हैं है? तो हम नए नेट, तो आप नेटवर्किंग करना तो आसान है, आपने नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी है, लेकिन हाउ मच इफेक्टिव, हाउ मच मीनिंगफुल, हाउ मच रिजल्ट ओरिएंटेड, हाउ मच एक्शन ओरिएंटेड, हाउ मच न्यू नेट आपको जनरेट करके आपको फायदा पहुंचाएगा, वो अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो आपका फायदा है। घर बैठे हुए कुछ नहीं मिलता, याद रखिएगा, दुआ मांगने से ना कुछ नहीं होता, आप करके देख लें। आप सिर्फ सजदे पे गिर के दुआएं मांगते रहें और कहें कि कल सुबह मैं पास हो जाऊं, अगर हो जाए तो मुझे पकड़ के फांसी दे दीजिएगा, वहां को अल्लाह मियां ने नीचे थोड़ी उतरना आपके पेपर आपका लिखने के लिए, वो आपने कुछ किया है तो कुछ लिखेंगे ना, आपने कुछ किया है नेट के तौर पे तो नेट आपका बनेगा ना, ऐसे थोड़ी नेट बन जाता है। जैसे आपने कहा एक इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम लगता है, सिर्फ क्लैरिटी चाहिए कि किस कौन सा नेट हमें बनाना है, कौन सी हमारी प्रायोरिटीज में आते हैं, और प्रायोरिटीज के अंदर से फिर हमें क्या चीज निकालनी, यानी कि जितना आप मेंटली अंडरस्टैंड करते हैं ना, जितना आप क्लैरिटी आपके अपने अंदर होती है, आप उतना शानदार नेट बनाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपको खाने की परफेक्शन आती है तो खाना चुटकियों में बनता है, जहां आपकी परफेक्शन नहीं है वहां इफ एंड बट लगते हैं, जिस काम की आपकी परफेक्शन है उसमें इफ एंड बट नहीं लगता। लेकिन ये परफेक्शन अचानक नहीं आ जाती, एक दिन में नहीं आती, टू टेक सम टाइम। खाना पकाना तो पहले तो आप अंडा पकाना सीखते हैं ना, वहां से लाइफ स्टार्ट होती है, फिर जाके बेहतरीन किस्म के खाने बनने शुरू होते हैं। पहले दिन तो आटा भी नहीं गूंदा जाता सही तरीके से, देख देख के गलत आटा बनता है, फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते हैं। इसी तरीके से जब आप नेटवर्किंग में जाएंगे, शुरू में आप अच्छे नतीजे नहीं दे रहे होंगे, बट एक टाइम के बाद आपकी स्मार्टनेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। बस मुझे आप पे ट्रस्ट करना है कि यार ये बंदा जो है, ये लड़की जो है, ये राइट डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है या कर रही है। अब रिजल्ट निकल आएंगे, इतनी जल्दी कोई नहीं है, डायरेक्शन इसने पकड़ ली है, इसका पाथ बिल्कुल ठीक है, इसका रोड मैप बिल्कुल ठीक है, इसकी करेक्शन ठीक है। हाँ, ये मीनिंगफुल तरीके से जाके रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, इफेक्टिव तरीके से चीजों को बिल्ड करते हैं, अपना चीजों को छोड़ के आते हैं, फॉलो अप करते हैं, परसू करते हैं, तो ये करना शुरू कर देंगे तो फिर आप देखिए आप सबसे रिचेस्ट हैं, और दुनिया में कामयाब लोग वही हैं जो जिनके सबसे अच्छे नेट होते हैं, कामयाब लोग। अब तो आप जाए ना कब्रिस्तान में जगह लेने के लिए, मुर्दे के लिए, तो सबसे पहले गोरगन ये कहता है कि जगह नहीं है, कहता है ना, तो या तो आप 25,000 रुपये उसके हाथ में रखें तो वो कब्र पे कब्र बना देता है, या ये कि आपके ताल्लुकात उसके साथ इतने अच्छे हैं वो 25 नहीं लेता लेकिन कब्र आपको बना देता है। तो आप कहीं भी कोई काम करने जाएंगे विदाउट नेट, आपकी लाइफ जो है, मेरे मुझे लगता समझ नहीं आती कि जो लोग विदाउट नेटवर्किंग बिहेव करते हैं वो कैसे अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं। ये सवाल मेरे साथ, मैं खुद करता हूँ अपने आप के साथ। हमें एक पूल बनाना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देके रैप अप करूंगा, फिर आप सवाल जवाब करेंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लिखता हूँ हफ्ते में 3 दफ़ा, एक अखबार में आर्टिकल, एक्सप्रेस में। मुझे पॉलिटिक्स पे लिखना है, इकॉनमी पे लिखना है, सिक्योरिटी पे लिखना है, पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे लिखता हूँ। मैं हरफन मौला नहीं हूँ, हर चीज़ मुझे नहीं पता, मैं पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट हूँ, लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं इकॉनमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक पूल बनाया हुआ नेट, 5-6 एक्सपर्ट्स लीगल, 5-6 एक्सपर्ट्स इकॉनमी के, 5-6 एक्सपर्ट्स सिक्योरिटी के, 5-6 रिटायर्ड जनरल, 5-6 फलां, 5-6 फलां, 5-6 चल। अब जब मुझे कहीं मैं फंसता हूँ तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार सर ये बताइएगा जरा, वो फलां लॉ जो है ना आर्टिकल 242 क्या कह रहा है, 242A क्या कहता है, मैंने लिखना है इसको, समझना चाहता हूँ, तो वो मुझे बता देते हैं। अब मैं ये तो नहीं लिखता कि ये मैंने इनसे पूछ के लिखा है, लेकिन मैंने इसको वर्क किया है, अपने नेट को इस्तेमाल किया है। तो आप अपनी पॉकेट्स में नेट रखते हैं, अगर आपकी पॉकेट में नेट है तो आप उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपकी पॉकेट में नेट नहीं है तो आप आए बाएं शाएं लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा लिखेंगे तब जब आप अपना नेट इस्तेमाल करेंगे। एक्सपर्ट्स,
आपने वो देखा ना अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम आता है, उसमें एक्सपर्ट पूल आता है, ऑडियंस पूल आता है, एक्सपर्ट्स पूल आता है, जी आप बताइए किससे आप पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर से पूछना चाहता हूँ, लगाए जी कॉल चंद्रशेखर को, आपका पूल है ना इसलिए आपने उसको कॉल लगवाई है। तो ये नेट है बेसिकली, पूल नहीं है ये नेट भी है। तो आप बराए मेहरबानी स्टूडेंट्स हैं, अभी यंग एज है आप लोगों की, आप अपने नेट्स को बढ़ाएं, अपने इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में, अपने एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, अपने इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में। जितने नेट आपके स्ट्रांग होंगे उतने ही आप सोसाइटी के लिए वाइबल भी हैं, वैल्यू एडेड भी हैं और वर्केबल भी हैं। ठीक है, दिस इज़ माई एक जिसे कहते हैं ना, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि विदाउट नेट आप कुछ भी नहीं है। फिर आप दुआएं मांगें, बस दुआ अगर अल्लाह ताला असर डाल दे तो शायद आपका काम हो जाएगा, वो सिम खुल जा सिम तो दरवाज़ा खुल जाएगा शायद जादू से। लेकिन जादू हम सब की ज़िंदगी में थोड़ी चलता है, हम सब की ज़िंदगी में कितने बॉन्ड निकले हैं हमारे, एक आध बस दो या नहीं निकलते। तो हम वो लोग नहीं हैं जहाँ लॉटरियाँ हैं, जहाँ बॉन्ड हैं, ना हम सोने के चमचे लेके पैदा हुए हैं। हमें अपनी स्ट्रगल के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी पेशेंस के साथ, अपने टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, अपने ब्रेन के साथ अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी है। और वो स्पेस क्रिएट करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी नेटवर्किंग को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। पहली बात तो ये मैंने आपको कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप, अब मैं आपको घर से कहूँ बाज़ार से जाके आलू ले आओ तो आप मिठाई की दुकान पे तो नहीं जाएंगे, सब्जी की दुकान पे जाएंगे ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने किसके पास जाना है, क्या एजेंडा है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले तो ये क्लैरिटी लें, फिर प्रायोरिटी करें कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, आज ये करनी है तो कल वो करनी है तो परसों ये करनी है, प्रायोरिटाइजेशन करें। तीसरा ये कि इन्वेस्टमेंट लगाएं, परसों करें, जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना उतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड होंगे, खुद को टारगेट ओरिएंटेड करेंगे, टारगेट निकलना शुरू हो जाएंगे। लूज बॉल में खेलेंगे तो लूज गेम खेलेंगे, टाइट करेंगे तो अपने आप को टाइट करेंगे, कहाँ मुझे टाइट करना है, कहाँ मुझे लूज करना है, कहाँ मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, कहाँ मुझे लचक नहीं दिखानी, ठीक है ना। कैसे मैंने अपनी पर्सनल सोशलाइजेशन भी बिल्ड करनी है और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा पहुंचाना है। आपके दुख दर्द में भी मैं शरीक हूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भी सर्व करता हूं, अपनी रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करता हूं, आपकी रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करता हूं, तो गिव एंड टेक है ना। तो आप जितना उसकी जो क्वालिटीज़ हैं इफेक्टिव वाली जो है, कि आप किस तरीके से एक प्लान बनाते हैं, जितना आपका इफेक्टिव प्लान होगा उतना ज़्यादा आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। और उसका एक और तरीका ही है, आपने मिसाल के तौर पर आपने चार टारगेट्स तय किए एक क्वार्टर के लिए, ठीक है, क्वार्टर में जाके ये काम नहीं हो पा रहे, इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ कुछ गलत हो रहा है जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, उसको रिव्यू करें। आपने कहा जी मैंने क्वार्टर में चार प्लान किए थे, इस क्वार्टर में मैं दो काम कर चुका हूँ, चलें दो अगले दो नए लें और पिछले दो लें फिर चार कर लें, कहीं रिजल्ट भी तो आ रहे हैं ना। अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये आपकी डायरेक्शन किसी सिम्ट में है, लेकिन अगर बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ रहे तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, आइदर फ्रॉम यू आइदर फ्रॉम अदर, दूसरी तरफ से भी गलती हो सकती है ना। तो ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम ये नतीजा नहीं निकाल पा रहे। मलक रियाज को जानते हो? कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अमीर आदमियों में से उसका शुमार होता है। पैसों की कोई कमी है उसके पास? पैसों की कोई कमी है उसके पास? अपने काम नहीं करा पाता, आपको पता है? नहीं, काम नहीं कर पाता। उसको अपने काम करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? रिटायर्ड जनरलों को भर्ती करना पड़ता है, रिटायर्ड जजों को भर्ती करना पड़ता है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भर्ती करना पड़ता है, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग नेट है। एक से बेटा मैं सुनते लेना, पैसा तो बेशुमार लोगों के पास है, बर्बाद कर देते हैं। एक 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 बंदे को वालिद साहब पैसे देते हैं 20 लाख, बेटा सुन लें, आप सुन लें, देखिए ना, अगर आपने पैसा कमाना है तो ये फोरम नहीं है, जाइए जो आपको 2 जमा 2 4 समझाए, ये फोरम नहीं है, ये गलत जगह पे आप आ गए हैं। मैं आपको पैसा कमाने का तरीका नहीं बता सकता, मुझे आता तो मैं खुद करता, मैं जो काम मेरा काम है ना मुझे वो बताना है बेटा, ठीक है ना। वो आप जो आप समझते हैं वो आप करें, बाहर जाके पैसे कमाएं जो मर्जी करें, जायज़ करें नाजायज़ करें, वो मैं ये इशू नहीं है, नहीं मैं कह रहा हूँ ये अप्रोच नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ ये अप्रोच गलत है कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आपका नेट होगा। मैं आपको बेशुमार मिसालें बता रहा हूँ जिनके पास पैसा है, उनके पास वक्त गुजारने के लिए, आपको पता है अमरीका में क्या होता है, एक कॉल करनी पड़ती है कि आई हैव 2 आवर्स फ्री, आई नीड समवन टू टॉक टू मी,
पैसे खर्च करता है, बिलाता है, पैसा है ना उसके पास, तो वो अपने लिए आसानियाँ पैदा करता है ना, लेकिन पैसे ने उसकी आसानी नहीं बनाई, उसको प्रोफेशनल लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये याद रखें कि जो नेट होता है ना, नेट आपको आपकी मार्केट को इस्टेब्लिश करता है। सेठ आपको बुलाएगा इसलिए कि आपका नेट है, अगर उसको जो किसी रिटायर्ड जनरल की या ब्रिगेडियर की जो शक्ल नहीं पसंद, उसको इसका पता है कि इसके पीछे इसके कनेक्शन है जो ये मेरा काम आसानी से फाइल निकलवा सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप नेट में जाते हैं तो आप लोगों की ज़रूरत बन जाते हैं। मैं जब आपको हायर करूँगा तो मेरी ज़रूरत होंगे तो मैं आपको हायर करूँगा ना, मैं आपको ज़्यादा पैसे इसलिए दूंगा कि मुझे पता है कि आप मेरे आपके काम से मेरी ज़िंदगियों में आसानी पैदा होती है। तो अपने नेट को देखें कि आपकी ताकत क्या है। आप मलक रियाज नहीं है, आपकी ताकत आपका नेट है, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने पैसे जनरेट करने हैं, उसकी बुनियाद पे आपने अपने पैसे लेके आने हैं, उसी की बुनियाद पे आपकी प्रोफेशनल स्किल बनेगी। ये एक शोभा है, ये एक प्रोफेशन है नेटवर्किंग, मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्किल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे, चाहे आपके पास जितने मर्जी पैसे हों। आप दुनिया में जो बड़े लोग हैं ना, जरा इनको चेक करें, ये बड़े कब बने हैं, शुरू में क्या थे। मैंने इस मलक रियाज को वेस्पा स्कूटर पर फिरते देखा इसी लाहौर शहर में, उस सर वो अब वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले नहीं था उसके पास। जितने बड़े लोगों को आप आइडेंटिफाई करेंगे ना, आप जाके देखेंगे उनका स्टार्ट कुछ और है, फिर एक इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हर बंदा सोने का चमचा लेके नहीं पैदा हुआ हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ वो होने से या गरीब, अच्छा अगर आपकी बात मान ली जाए तो ये जो जितने हमारे जैसे लोग गरीब गुरबत से निकलते हैं और एक मिडिल क्लास में बैठ के प्रॉपर ज़िंदगी अपनाते हैं, कैसे अपना लेते हैं। कुछ टाइम मिलता है, कोई इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ किया होता है, तो तब जाके हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, अब गाड़ी है, ऐसे ही हो गया सारा कुछ यार, एक टाइम लगाना पड़ता है। ये जो शॉर्टकट है ना, इससे बाहर निकले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मैंने अपना काम करवाना है दूसरे डिपार्टमेंट से, तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए ना जो मुझे वहाँ तक फैसिलिटेट करे। तो पैसा तो आ गया, पैसा तो देखिए हर शोबे में होगा। शोभा देखिए ना, पैसा तो ये है कि आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं अकाउंटेंट की, आप सर्व कर रहे हैं तो पैसा दे रहा है ना कोई बंदा, बगैर सर्विंग के भी कोई पैसा देता है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ और मलक रियाज बात करे तो फर्क होगा ना। लेकिन मलक रियाज में उसकी उसकी लाइफ का वो स्टाइल देखे जब वो वहां पहुंचा है बुढ़ापे में आके। मेरे भैया आप अभी स्टार्ट करते हुए मलक रियाज बनना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा, टाइम लगेगा। देखिए ना, मैं आपको मिसाल के बताता हूँ, आप जरा जाएं हुंडा एटलस में, आप जब जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है ना हमारी, उसमें जाएं, उनके जीएम से मिले, उनके जीएम से मिले, उनसे पूछे कि हाउ टू स्टार्ट योर कैरियर। वो कहेगा मैं मोबाइल का कार्ड बेचा करता था सड़कों के ऊपर, फिर मुझे अंदर एंटर हो गई, फिर मुझे छोटी नौकरी मिल गई, करते 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 अब मैं 50-55 का हूँ, नाउ आई एम जीएम मोबाइलिंग कंपनी। प्रोसेस है ना यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम वो प्रोसेस को भूल जाते हैं, फौरी तौर पे देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पहुँच गया ना, वो सिर्फ पैसे से पहुँचा, सिर्फ पैसे से नहीं पहुँचा, उसका दिमाग भी है यार, उसकी उसका कोई नहीं सर, कोई विरासत नहीं होती यार। अगर मैं आपकी बात मान लूँ, एक इंसान है आपकी बात मान लूँ, तो मोची का बेटा तो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी विरासत में मोचीपन है। ये क्या बात हुई, ये क्या स्टाइल हुआ कि जी क्योंकि विरासत में लिखा हुआ था, ये मलक रियाज को विरासत में आया था। ये सब लोग अपने अपने तरीके से जिंदगियां बनाते हैं यार। ये जो के जो क्या नाम है अमेरिकन सदर था ओबामा, पढ़े ना उसकी ऑटोबायोग्राफी, सारे उसके पीछे काला 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 कह के उसका मजाक उड़ाते थे सारे। तो ये कोई इशू नहीं, अगर हम ये कह दें कि विरासत, यहां तो जिनकी विरासत होती है वो डुबो देते हैं अपने बाप का नाम, सब कुछ भी होता है। तो सारी सीरे तो मैं भी तो बेटा यही कह रहा हूँ कि अपनी थिंकिंग को डेवलप करें, इस सोच को डेवलप करें, उससे निकल आए उन चीज़ों से जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं, ये इसको डेवलप करें। इसको डेवलप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी एक हथियार, सारे हथियार नहीं है, ये एक हथियार है नेटवर्किंग, इसको पॉलिश करें, इसको मजबूत बनाएं, इसको इतना लेके चलें कि लोग आपके पीछे भागें, लोग आपसे कहें यार हमारा काम करवा दो। मैं अपने इलाके में रहता हूँ ना टाउनशिप में, हमें पता है कि कौन सा बंदा थाने से जाके हमारे काम करवाता है, हम पीछे पीछे भागते हैं यार उसके पीछे पीछे, मिनतें करते हैं सर साढ़ी भी यार मेरा ऐसे चुनू कबो ना को फलां काम में, पैसे नहीं लेता वो हमसे, लेकिन उसके कनेक्शन इतने शानदार हैं, वो लोगों के काम करता है यार, उसके रबते हैं बड़े अच्छे। तो ये जो कनेक्टिविटी हम जोड़ते हैं ना, मैंने आपको कहा था आपने कनेक्ट करना है, जैसे दो तारों को जब आप कनेक्ट करते हैं तो बिजली आती है,
दो चीजों को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ना, विदाउट कनेक्टिंग तो अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली। या प्लीज, हमारा तो गुरबत में मेंटालिटी का भी बहुत बहुत बड़ा फर्क होता है। गरीब एक खाली पैसे नहीं होते, बहुत ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी चीजें और होती है, और जो बंदा सिर्फ लेने के लिए गया है ना, वो अमीर हो गरीब हो वो कभी इज्जत ऐड नहीं कर सकता। देखिए आपने वैल्यू क्या ऐड करना, देखिए आपने ना चीजों को ब्रेक करना है। मैं आपको बताता, एक मिनट, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं ना हमारे पास, ये सब छोटे छोटे गांव से आते हैं। मैं पढ़ाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, ये बड़े हाई नंबर लेके आते हैं छोटे शहरों से। लाहौर शहर के बच्चे जो है ना, उनको दाखिला नहीं मिलता पंजाब यूनिवर्सिटी में। आप जाके चेक कर लें, पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं वो छोटे शहरों से आते हैं। वो किस पे आते हैं? नंबर्स की बेसिस पे आते हैं। सिफारिश कोई नहीं होती उनकी, उनको तो यहाँ बोलना भी नहीं आता बेचारों को, शर्मीले से शायद से आते हैं। आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते उसमें PCS करते हैं, CSS करते हैं, पोजीशन लेते हैं, फिर वो जाके गांव के अंदर फला दी, देखो ना उसका बेटा जो है वो बन गया है, हाँ वो साइकिल रिक्शा चलाता था हिंदुस्तान में, उसकी बेटी CSS कर गई। मैंने उसका पूरा इंटरव्यू देखा है, और उसने कहा कि मैं पहले दिन जब CSS करके अपने दफ्तर जाऊंगी, यानी जिस ऑफिस में उसकी नॉमिनेशन होती है, वो कहती है मैं अपने अब्बा के रिक्शे पे जाऊं। वो अपने अब्बा को लेके रिक्शे में जाती है, वहां उसका उसका वो खोलती है, वो फीता कटवाती है अपने बाप से। ये लोग ब्रेक करते हैं चीज़ों को, लोग ब्रेक करते हैं, गांव से आके शहरों में आके ज़िंदगी बनाते हैं। सर शहरों से जाके लोग गांव में ज़िंदगी नहीं बनाते, बड़े मेगा सिटीज़ में आके लोग लाइफ बनाते हैं। तो जब आप निकल के आते हैं तो आपके हाथ में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हमने तो वो तंगदस्ती भी देखी है ना बेटा अपनी ज़िंदगियों में, जब हमारे पास खाने के लिए पूरे पैसे नहीं होते थे। तो एक आहिस्ता 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 इन्वेस्टमेंट करके हम अपने आप को, तो हमने ब्रेक करना। ये जो पहले से मिथ है ना, पैसा होगा, बरादरी होगी, ताकत होगा, सिफारिश होगी, फला होगा तो कामयाब है वरना नहीं। मिसाल के तौर पर मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी बगैर सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती। मैं उनसे कहता हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, नहीं मिलती, लेकिन हर बंदे को नौकरी सिफारिश तो नहीं मिलती। आप 100 पोस्टें आई हैं, उसमें से 80 पोस्टें मैं आपकी मान लेता हूँ सिफारिश पर गई हैं, 20 फिर भी मेरिट पर गई होंगी यार। कहीं ना कहीं जैक लग जाता है, वो इतना धक्का लग जाता है, लाइन में लगे होते ना एकदम धक्का लग जाता है, तो आप भी एंटर हो जाते हैं मुफ्त में। तो हम जरा थोड़ा सा पॉजिटिव होकर ये देखें, ये जो मिथ्स बनाए हुए ना, ये मिथ पता क्यों बने हुए हैं? ताकि हम तरक्की ना कर सकें। क्या मैं मोची का बेटा हूँ तो मोची रहूँगा, मैं गरीब घराने से पैदा हुआ हूँ तो गरीब रहूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए लोग मुझे लिफ्ट नहीं कराते हैं। हमने तो ज़्यादातर लोगों को देखा है कि लिफ्ट उनको ही मिलती है जिनके पास पैसे नहीं होते। उनको आर्ट आता है सोशलाइजेशन का, आर्ट आता है रिलेशनशिप का, वरना यहाँ पे जो है ना लव स्टोरियाँ जो चल रही होती ना, वो पहले देखा जाता है इसके पास कितने पैसे हैं। ठीक है ना, मेरी बात सुने, पैसे देखे जाते हैं उसके पास कितने पैसे हैं। यहाँ तो गरीब भी रोमांस करता है और अमीर भी रोमांस करता है, दोनों को पता होता है पल्ले कुछ नहीं है, उसके बावजूद जाकर वो एक चिप्स का पैकेट लेके बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे मारते रहते हैं। तो ये नहीं है, इनको ब्रेक करना है हमने, इन चीज़ों को ये तोड़ना है, और आप ही ने तोड़ना है। ये जो आज आप यहाँ बैठे हैं ना, आज से 20 साल के बाद 15 साल के बाद मैं आपसे मिलूं और आपका मैं केस स्टडी सुनूं ना, तो आप कहेंगे कि आई एम अ पर्सन, आई ब्रेक, मैं खुद ब्रेक करके आया हूं, आप भी ब्रेक करके जाएंगे। लेकिन डायरेक्शन ठीक रखें, करेक्ट रखें। दो नंबर तरीके तो फिर सब आजमाते हैं ना, वो भी आप भी आजमाएं, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं कौन सा यहाँ पर कोई मौलवी साहब बनकर लेक्चर देने आया हूँ, लेकिन याद रखिए, अगर आपने किसी जगह पर इन्वेस्ट करना है अपने टाइम को, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को, तो वो उसकी मीनिंगफुल इफेक्टिवनेस होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से नतीजा निकाल लें। हाँ, एक और लतीफ़े के तौर पे एक बात सुना देता हूँ। हाँ भाई, उसने तो कहा ये जो बात आपने की, एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। उसने कहा अगर आप किसी गरीब घराने में पैदा हुए हैं तो आपका कोई फॉल्ट नहीं है, अल्लाह की तरफ से, लेकिन अगर आपकी शादी किसी गरीब घराने में हुई है तो फिर आपका कसूर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें हमने ब्रेक करनी होती। अगर ये जो अभी जो मैंने दूसरा मिसरा बताया कि फिर आप गरीब घराने में शादी की तो आपका कसूर है, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें तो इसका मतलब है फिर शादियाँ नहीं हो सकेंगी यार, गरीब घरानों में लोग तो नहीं हो सकेंगी शादियाँ। तो ये चीज़ें ब्रेक करनी होती हैं। मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस है गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिनको मैं पढ़ाता भी हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट्स हैं, बहुत टैलेंटेड है। आप जाके देखें 100% के करीब करीब लिटरेसी है उनका, और छोटी छोटी बच्चियाँ छोटे छोटे कद की ना, गोरी सफेद वाइट्स ने, कोई MS कर रही है, कोई BS कर रही है, कोई MPhil कर रही है, कोई PhD कर रही है, कोई टीचर है, कोई कुछ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो छोटे छोटे इलाकों से ब्रेक करके आते हैं। रेशो है, लेकिन सर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। अच्छा, जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो वहाँ से निकल के
इस्लामाबाद में आते हैं, हाँ जी इस्लामाबाद में आते हैं, फिर लाहौर आते हैं, इसी तरह से फाटा वजीरिस्तान से देखें कितने लोग आते हैं, तो लोग ब्रेक करते हैं, साउथ के कितने लोग आते हैं, राजनपुर लैया वगैरह से लोग ब्रेक करके आते हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि हम ब्रेक कर सकते हैं, सिर्फ शार्पनेस ये है कि आप नेट के अंदर कैसे खेलते हैं। देखिए ना, अगर आप नेट में अच्छा खेल रहे हैं तो मैं आपको ग्राउंड में उतारूंगा, प्लेयर को बैटिंग करते वक्त या फुटबॉल का नेट लगा होता है, पहले आप नेट प्रैक्टिस करवाते हैं ना, उसमें टैलेंट देखते हैं, फिर उसको मैदान में उतारते हैं। तो आपको मैदान में उतरने से पहले अपने नेट बनाने हैं, और जितना आप नेट में परफेक्शन लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना परफेक्शन जो है ना वो डेवलप। तीन चार बातें हो सकती हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, एक मैं आपकी फिजिकल अपीरेंस से बहुत मुतासर हूँ, आपके फेस से बहुत मुतासर हूँ, आपके स्ट्रक्चर से बहुत मुतासर हूँ, तो मैं आपको फॉलो करूँगा। जैसे हमारे यहाँ अदाकारों को फॉलो करने का रुझान हाँ होता है ना, तो हम उनको इसलिए फॉलो करते हैं कि यार सलमान खान फलां खातून का नाम ले लें, फलां का ले लें, तो हम उनको फॉलो करते हैं, एक वजह तो ये होती है। एक हम उनके कंटेंट की वजह से फॉलो करते हैं, उनके इलम की वजह से, ठीक है। मिसाल के तौर पर जावेद अहमद गामदी है, बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर है, माकूल सी शक्ल है, एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसके इलम से बहुत मुतासर है। डॉक्टर इसरार अहमद से एक ज़माने में इस्लामी स्कॉलर में बहुत मुतासर थे, अमजद इस्लाम अमजद अभी पोइट फौत हुए हैं, बहुत मुतासर थे। तो फिर उनकी कंटेंट यानी उनकी शायरी, उनका अदब, उनका लिटरेचर, हाँ इससे ठीक है ना, उससे बहुत मुतासर होते हैं। और बाज़ अवक़ात बड़ा अफसोस होता है जब उनसे मिलते हैं तो बड़े फजूल बंदे निकलते हैं, वैसे तो उनका कंटेंट बहुत शानदार है, लेकिन कभी मिल लें तो सही तरीके से वो बात तक नहीं करते, जैसे ये बिला वजह से कोई हीरो बनाया हुआ था, इसको तो सही तरह से बात भी नहीं करता हमसे, ठीक है ना। मैंने अभी देखा था एक बंदे को, बहुत मशहूर नाम नहीं लूँगा, परसों पार्क में मैं संडे वाले दिन सुबह वॉक करने गया तो एक बड़े मशहूर आदमी को एक बंदे ने आकर सलाम किया, उसने ऐसे भूखा तो उसका सारा इमेज ख़राब हो गया होगा उसके बारे में, जितनी तेज़ी से वो आया था सलाम करें। तो दूसरा, पहला वो मैंने कहा कि आपकी फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट में, दूसरा ये कि वो आपको एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली, तीसरा आपकी किसी पोजीशन के ऊपर, आप बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत बड़े हैं, यानी फाइनेंशियली यू हैव टू बी अ डिफरेंट, इख्तियार आपके पास है, डीसी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, तो सलाम अलैकुम सर, सलाम अलैकुम सर, सारे सलाम करते रहते हैं, एसएचओ रिटायर होता है तो पूछता भी नहीं, फिर आप किसी पोजीशन के ऊपर बेस बना के देते हैं। चौथा आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर होता है कि कौन सा इसका एटीट्यूड है, ताकतवर नहीं आप, लेकिन आप मिलते बहुत अच्छे तरीके से, बड़े हम्बल तरीके से मिलते हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ। ये चौथा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम एटीट्यूड एंड बिहेवियर की वजह से, सपोर्टिव एटीट्यूड्स की वजह से आते हैं। तो कोई एक फार्मूला नहीं है, हम कई जगह पे मुतासिर होते हैं और कई जगह पे बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए आपको स्टे करना पड़ता है, एक जगह पर ठहरना पड़ता है, और आपको पता होना चाहिए कि लोग किन बातों से मुतासिर होते हैं, कैसे मुतासिर होते हैं, कौन सी चीज़ है, वो इंटेलेक्चुअलिटी भी हो सकती है, आपकी अपीयरेंस भी हो सकती है, आपका एटीट्यूड भी हो सकता है, आपकी पोजीशन भी हो सकती है, आपकी फाइनेंस भी हो सकती है, जो भी चीज़ें, तो फिर आप उनको अपनी तरफ लेके आना कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कंटेंट वो नंबर वन है, कंटेंट की बेसिस के ऊपर ना आप अपने लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा, कोई कंटेंट के साथ फिर आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये दो चीज़ें अगर मिक्स हो जाए तो फिर यू कैन जनरेट समथिंग मोर, ठीक है जी। जी इजाज़त है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अगर लाहौर से हैं तो आप में से कोई भी मुझसे रابطہ करना चाहे, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा इदारा है फैसल टाउन में, मैं बैठता भी हूँ, यहाँ पे भी आता रहता हूँ, तो आप मुझसे अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स में जो भी आपके टारगेट्स वगैरह हैं, जो आप प्लान करते हैं लाइफ में, अगर आपको उसमें मेरी सपोर्ट चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट, मैं कोई चार्ज नहीं करता, मेरा सिर्फ मैं आपको इदारा का नंबर छोड़े, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। टाइम लेके फैसल टाउन में बैठता हूँ, इधर भी आ जाऊँगा, इधर आ जाएंगे तो इधर भी आ सकते हैं। नहीं, मेरे चाचा जी का है भैया, अपना ही दूंगा ना बेटा, ठीक है। ये मेरा नंबर है और यही मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसी नाम से, सलमान आबिद के नाम से, और मेरा ट्विटर वगैरह जो है, इंस्टाग्राम वगैरह सब इसी पे है। मेरी जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई और बोली हुई वीडियोस वगैरह जितनी होती हैं वो मेरे ट्विटर्स पे और फेसबुक पे होती हैं, तो यू कैन फॉलो मी, ठीक है। 8429311, ठीक है, 03 के साथ, सलमान आबिद, SALMANABID, आप लिखेंगे तो यही फेसबुक पे मेरी तस्वीर आएगी जो अभी इस वक्त नज़र आ रही है, और ट्विटर पे भी, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।